अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैंने पहली बार कैरमेल पुडिंग को बनाना सीखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए, मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच सके। बहुत ही सॉफ्ट कैरमल पुडिंग बन चुका है। इसके लिए 250 ml दूध को गर्म कर लेंगे, 10 से 15 मिनट तक गर्म कर देंगे स्लो फ्लेम पर, एक बॉईल आने तक। इसको गर्म करके साइड में रख देंगे। एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, उसमें एक कप चीनी, कैरमल होने के लिए 2 चम्मच पानी डालकर स्लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। अपने आप कैरमल होना शुरू हो चुका है, फ्लेम को स्लो ही रखना है। 10 से 15 मिनट के बाद हमारा कैरमल बनकर रेडी हो चुका है। इसको छोटे छोटे 2 बॉल में निकाल लेंगे, 2 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे ताकि इसका कलर अच्छे से आ सके। इसको बॉल में घुमाते हुए सेट कर लेंगे चारों तरफ। 2 बॉल्स को वैसे ही सेट करेंगे। अभी एक केले को ले लेंगे हम, इसको हल्के हाथों से मैश कर लेंगे। आपको केला ना पसंद हो तो केले का आप नहीं भी इस्तेमाल कर सकते। इसमें डाल देंगे 1 अंडा, 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे अच्छे से। इसमें डाल देंगे वेनिला एसेंस 1 चम्मच। फ्लेवर के लिए आपके पास ना हो तो ऑप्शनल है। इन सब चीज़ों को मिक्स के जार में डाल देंगे। इसमें डालेंगे शक्कर, चीनी। आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। 1 कप दूध डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अभी सेट किए हुए कैरामेल पर इस लिक्विड को डाल देंगे पीसे हुए। एक कढ़ाई में पानी गर्म कर लेंगे, इसमें एक स्टैंड रख लेंगे। मैंने स्टूल के टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन का इस्तेमाल किया है। इसमें बॉल रखकर उसके ऊपर ढक्कन ढाँप देंगे और एक बॉल रखकर उसके ऊपर भी ढक्कन ढाँप कर स्लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। कढ़ाई के ऊपर ढक्कन को अच्छे से ढक देना ताकि उसकी स्टीम बाहर ना जा सके। 15 से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसको चेक कर लेंगे टूथ स्टिक के ज़रिए। अगर कच्चापन लग रहा है तो फिर से 5 मिनट पकाइए। हमारा कैरामेल अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। 2 से 3 मिनट के बाद अपने आप ही निकल जाएगा। बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हो चुका है। पहली बार में ही हमारा कैरामेल पुडिंग बन गया है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा।